नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत मिली है। धमाकेदार अंदाज से टीम इंडिया ने मैच जीता है। 50 रन के बड़े अंतर से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। लेकिन इस मुकाबले के 5 हीरो हम आपको बताएंगे, किन 5 खिलाड़ियों के दम पर टीम इंडिया को ये जीत नसीब हुई है। तो सबसे पहले हीरो के तौर पर अपने कुंग फू पांड्या, हार्दिक पांड्या, कमाल कर दिया यार। कुंग फू पांड्या ने शानदार तरीके से पहले अर्धशतक लगाया, उसके बाद में फिर विकेट चटकाकर इंग्लैंड को पस्त कर दिया। और ये T20 के इतिहास में हार्दिक पांड्या का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। तो जाहिर तौर पर जब से हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, तब से हार्दिक पांड्या ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया। तो ये पहला हीरो हार्दिक पांड्या। दूसरे शानदार तरीके से दीपक हुड्डा को हम रखेंगे। दीपक हुड्डा ने शुरुआत में जब विकेट गिर गया था ईशान किशन और रोहित शर्मा का, उस वक्त बेहतर तरीके से तेज तर्रार पारी खेलने की शुरुआत करी और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ दीपक हुड्डा आए। तो दूसरे हीरो के तौर पर हमारे रहेंगे दीपक हुड्डा। तीसरे हीरो के तौर पर हमारे रहेंगे सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, मिस्टर 360, कमाल की बैटिंग सूर्य कुमार यादव ने भी की। कोई दबाव नहीं आने दिया, प्रेशर नहीं आने दिया, तेज गति से रन बनाते चले गए, शानदार तरीके से हार्दिक पांड्या का साथ देते चले गए। तो तीसरे हीरो के तौर पर रहेंगे सूर्य कुमार यादव। चौथे हीरो के तौर पर हम रखना चाहेंगे भुवनेश्वर कुमार को। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी की, बेहतर तरीके से गेंदबाजी करके जोश बटलर को शुरुआत में आउट किया। तो जोश बटलर का आउट होना जाहिर तौर पर ये टीम इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था और टीम इंडिया ने इस काम को बखूबी अंजाम करके दिखाया। तो चौथे हीरो के तौर पर भुवनेश्वर कुमार। और पांचवें हीरो के तौर पर अपने चहल। जी हाँ, चहल ने भी शानदार गेंदबाजी करी। जब लग रहा था कि इंग्लैंड की पारी आगे बढ़ रही है, मोइन अली खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, ब्रुक्स शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तब चहल ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करके टीम इंडिया को बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया था और जीत एक आसान कर दी थी चहल ने। तो पांचवें हीरो के तौर पर हमारे चहल रहेंगे। तो ये टीम इंडिया की जीत के 5 हीरो थे। आप किन खिलाड़ियों को 5 हीरो मानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।